यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आजमगढ़ एसओजी और गंभीरपुर थाने की पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के मुकदमे में वादी और गवाह के कत्ल की साजिश कर रहे शूटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों शूटर को पैर में गोली लगी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गंभीरपुर थाना और एसओजी टीम बुधवार की सुबह क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। इसमें योगेश उर्फ गोलू को पैर में गोली लगी है, जो जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा बदमाश पंकज मिश्रा है, जो गंभीरपुर का ही निवासी है। पूछताछ में पता चला कि पंकज जनवरी 2021 में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हुई मनीष राय हत्याकांड में आरोपी है। और अभी हाल ही में जमानत पर छूटा है। जमानत पर छूटने के बाद अब पंकज और योगेश मनीष हत्या के बाद वादी मुकदमा व मुख्य गवाह की हत्या की साजिश रच रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि मनीष राय हत्याकांड में 5 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें वर्तमान में 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य 2 अभी फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस टीम लगी है। उन्होंने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की है। एसओजी टीम जनपद आजमगढ़ और थाना गंभीरपुर की पुलिस के द्वारा वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या की प्लानिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 1 अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ गोलू, जो थाना केराकत जिला जौनपुर का रहने वाला है, इसको आज सुबह लगभग 4:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वर्तमान में इसका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा पंकज मिश्रा, जो थाना गंभीरपुर अंतर्गत का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से विस्तार में पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई है, एसओजी टीम के द्वारा की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पंकज मिश्रा 2021 में जनवरी 2021 में थाना गंभीरपुर में एक मनीष राय की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस मुकदमे में पंकज मिश्रा जेल गए थे, जहां से ये जमानत पर वर्तमान में था। इसके साथ साथ जनपद जौनपुर जेल में दीपक राय नाम का एक अभियुक्त है, जो वर्तमान में जेल में है, ये भी उसी मुकदमे में जेल गया था, 302 के मुकदमे में। और इसके साथ साथ 2 व्यक्ति छवि राय और अनुज राय और शूटर के रूप में योगेश सिंह उर्फ गोलू, ये 5 लोग मिलकर इन्होंने प्लानिंग की थी। जो मुकदमा जनवरी में लिखा गया था थाना गंभीरपुर में 10/21, उसके वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या करने की प्लानिंग इन लोगों के द्वारा की गई थी। इस पूरी साजिश में 5 लोगों के नाम अभी पूछताछ में प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक शूटर के रूप में चिन्हित था, दूसरा प्लानिंग में शामिल था, और 1 व्यक्ति जेल में है और 2 लोग अभी फरार हैं। इनके भी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं पंकज मिश्रा, इससे पुलिस को 1 अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में जो अभियुक्त घायल हुआ है, उससे भी पुलिस को 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास जनपद जौनपुर से अभी तस्दीक कराया जा रहा है। इस घटना में और भी जितने लोग शामिल हैं उनका भी पता किया जा रहा है, विस्तार में पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना के संबंध में थाना गंभीरपुर पर धारा 115 से पठित 302, 120B और 3/25 आम सेट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। और एसओजी टीम और उसके साथ साथ गंभीरपुर पुलिस, जिनके द्वारा सक्रियता दिखाते हुए इस घटना को होने से पहले ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको मेरे द्वारा पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।